अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। 10 on 10 पेश करते हैं भारत के 10 सबसे अच्छे चर्च। चर्च या गिरजाघर क्रिश्चियन धर्म स्थल होते हैं और कई बार ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो आइए देखें भारत के 10 सबसे लोकप्रिय चर्च कौन से हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 ऑन 10 इनाम जीतने का। नंबर 10, सेंट फिलोमिनास चर्च, मैसूर। सेंट फिलोमिना गिरजाघर, जिसे सेंट जोसेफ कैथेड्रल नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के मैसूर शहर में बना 175 फीट ऊंचा भव्य चर्च है। इस चर्च को 1936 में न्यू गोथिक वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था और यहाँ 800 श्रद्धालु इकट्ठा हो सकते हैं। नंबर 9, वलापर्दम चर्च, अर्नाकुलम। केरल के अर्नाकुलम में मौजूद वलापर्दम चर्च ईसा मसीह की मां मदर मैरी को समर्पित गिरजाघर है। इस चर्च की स्थापना 1503 में की गई थी और माना जाता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डा गामा का इस चर्च की स्थापना में एक अहम योगदान रहा है। नंबर 8, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस में बना हुआ है ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जो कि गोथिक वास्तुकला के अनुरूप बना गिरजाघर है। इस चर्च की बनावट को अंग्रेजी आर्किटेक्ट सर विलियम एमर्सन ने रूप दिया था, जिन्होंने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल भी डिजाइन किया था। नंबर 7, सेंट थॉम चर्च, चेन्नई। और अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी से सटे शहर चेन्नई में। चेन्नई के सेंट थॉम चर्च को 16वीं सदी में न्यू गोथिक वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया था। सफेदी की चमकार लिया ये गिरजाघर 210 फीट ऊंचा है। इस गिरजाघर के नीचे सेंट थॉमस दफन है, जो ईसा मसीह के अनुयायी थे। नंबर 6, वेलनकन्नी चर्च, नागापट्टिनम। छठे नंबर पर भी तमिलनाडु का एक और गिरजाघर वेलनकन्नी चर्च आता है, जो मौजूद है इस प्रदेश के नागापट्टिनम जिले में। इस चर्च के बारे में एक बात प्रचलित है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 5, सेंट पॉल कैथेड्रल, कोलकाता। पांचवें नंबर पर है कोलकाता का सेंट पॉल कैथेड्रल, जो देश के सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में से एक है। इस चर्च को 1847 में बनाया गया था और इस चर्च के अंदर दीवारों पर बने भित्ति चित्र बहुत ही आकर्षक हैं और धूप में इस चर्च की रंगीन खिड़कियों से आती हुई रोशनी से और मनमोहक लगते हैं। नंबर 4, सेंटा क्रूज बेसिलिका, कोची। कोची का सेंटा क्रूज बेसिलिका देश के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। 1505 में बनाया गया ये गिरजाघर कोची के बेस्टियन स्ट्रीट पर मौजूद है। इस चर्च की दो ऊंची मीनारें दूर से ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेंगी। नंबर 3, से कैथेड्रल चर्च, गोवा। और अब बात करते हैं गोवा की, जो अपनी पुर्तगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। गोवा में अनेक अच्छे चर्च मौजूद हैं, जिनमें से एक है गोवा के वेल्हा इलाके में मौजूद से कैथेड्रल। इस 1619 में बनाए गए चर्च में पुर्तगाली और मैनुलेन वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। नंबर 2, क्राइस्ट चर्च, शिमला। नंबर 2 पर है उत्तर भारत के शिमला हिल स्टेशन में मौजूद क्राइस्ट चर्च। इस चर्च के सामने शिमला जाने वाले पर्यटक फोटो जरूर खिंचवाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में बने इस चर्च में एक काफी बड़ा संगीत का पाइप यंत्र भी रखा हुआ है। नंबर 1, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा। पहले नंबर पर है गोवा का बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गिरजाघर। ये चर्च काफी प्राचीन है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। इस गिरजाघर में सेंट फ्रांसिस जेवियर की मम्मी यानी उनका सुरक्षित किया गया शरीर भी रखा गया है।